हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आलू के पकोड़े की रेसिपी। आलू के पकोड़े फ्रेंड्स हम सबके फेवरेट होते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स मैंने इस रेसिपी को बताया है। इस आलू के पकौड़े बनाने में ना तो हमें सोडा का यूज़ करना है, ना बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है। उसके बावजूद भी जो पकौड़े हैं ना, बिल्कुल फूले फूले बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तो आप लोग रेसिपी को पूरा वॉच करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक आलू। आलू को मैंने अच्छे से पील कर लिया है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल पतला पतला हम इसको कट करते जाएंगे, और पानी में इसको हमें डालते जाना है, नहीं तो जो आलू है ना वो काले हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे इसे नाइफ से ही कट कर रही हूँ, पर आप चाहेंगे तो जो पोटैटो स्लाइसर आता है आप उससे भी इसे कट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो आलू की स्लाइस है ना, बिल्कुल पतले होने चाहिए, तभी आपके जो पकोड़े हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे। आप इससे ज़्यादा मोटा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो जो पकोड़े होंगे ना वो सॉगी हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं बिल्कुल पतले पतले कट कर रही हूँ, और कट करके आपको इसको पानी में डालते जाना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आलूओं को कट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से 3 से 4 पानी से इसको हम साफ़ कर लेंगे, ताकि इसका जितना भी स्टार्च है ना वो पूरा निकल जाए। तो आप इसे अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश कर लें, अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, आलूओं को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं एक प्लेट ले रही हूँ, इसमें हम आलूओं को इस तरीके से फैला देंगे, ताकि इसका जो पानी है ना वो थोड़ा सा सूख जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आप इस तरीके से प्लेट में फैला सकते हैं, नहीं तो आप किसी स्ट्रेनर पर भी आप इसे फैला सकते हैं, नहीं तो आप इसे किसी कॉलम के कपड़े से भी आप इसे हल्का सा ड्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसी प्लेट पर फैला करके ना फ़ैन के नीचे रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तब तक हम यहाँ पे बेसन का जो बैटर होता है ना वो रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप बेसन। मैं यहाँ पे एक आलू से पकोड़े बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है उसके अकॉर्डिंग। और इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चावल का आटा। इससे जो पकोड़े होंगे ना बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हींग। हींग आप ज़रूर ऐड करिएगा। इसमें अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा अजवाइन का। इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। बस इसमें और कोई मसाले नहीं जाएंगे। अच्छे से इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी बेसन में अगर गुठली वगैरह है ना तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ देखिए विस्क कर ली हूँ, अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जिस कप से बेसन लिया था उसी कप से मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसका जो बैटर है हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला रखना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी ये देखिए थोड़ा सा थिक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 1 कप पानी लिया था, उसमें से सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून पानी रह गया था। बाकी मैंने सारा पानी जो है ना वो यूज़ कर लिया था बैटर बनाने में। और देख सकते हैं कि जो बैटर है ना ये बनके रेडी हो गया है। अब ये देखिए बैटर की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। ये देखिए बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, और बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही हमें बैटर रखना है पकौड़े के लिए। अगर आप बैटर को बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे ना तो ये जो पकौड़े हैं ना ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और अगर बैटर पतला रहेगा, आलू पे अच्छे तरीके से बेसन की कोटिंग नहीं होगी, और जो पकोड़े हैं ना वो खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, सिर्फ आलू का ही टेस्ट आएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने बैटर को ना अच्छे से 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। और देखिए जो बैटर है ना बिल्कुल लाइट हो गया है। और यहाँ पे ऑयल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए। तो अब हम बेसन में ये बिल्कुल गर्म जो ऑयल है ना वो ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो पकोड़े हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे, और आपको इसमें सोडा बेकिंग पाउडर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ये गरम ऑयल डाल दिया है, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा जो ये बैटर है ये बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर पकौड़े फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। गैस ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर दिया था, और गैस का फ्लेम अभी मीडियम कर देना है। तो बस अब यहाँ पे आलूओं को बेसन में डिप करते जाना है और ऑयल में डालते जाना है। और आलू यहाँ पर ना थोड़े से ड्राई हो गए थे। तो जब भी आप इस तरीके से आलू के पकौड़े बनाएं, तो आपको ध्यान रखना है कि आलूओं को कट करने के बाद आप उसे ड्राई ज़रूर कर लें। बिल्कुल पानी वाले जो आलू हैं ना वो नहीं रहने चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए
पकोड़े डाल देंगे, और डालने के बाद देखिए थोड़ी देर के बाद जो पकोड़े हैं ये अपने आप फूल जाएंगे। तो हमें इसको टर्न कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है पकोड़ों को। बीच बीच में आप इसे इस तरीके से फ्लिप करते रहें ताकि जो पकोड़े हैं ना वो दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। और जो आलू के स्लाइस हैं वो इतने पतले हैं कि वो आलू तो कुक हो ही जाएंगे जल्दी ही, पर इसके ऊपर की जो कोटिंग है ना वो क्रिस्पी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये पकोड़े हैं ना ये फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से जो सेम दूसरा बैच है ना उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो पकोड़े हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गए हैं और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे देखिए सेकेंड बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अच्छे तरीके से आलूओं को बेसन के घोल में डिप करना है और फिर ऑयल में डालते जाना है। बस आपको ध्यान रखिएगा कि जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, जो सेकेंड बैच है ना वो फ्राई हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पकोड़े हैं ना वो कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पकोड़े बहुत ही फूले फूले हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं ये। तो फ्रेंड्स, ये आलू के पकोड़े बनाना बहुत ही आसान होता है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो आपके जो पकोड़े हैं ना बिल्कुल फूले फूले क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो चलिए मैं आपको एक पकोड़े तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।